नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्याण माइकी और आप देख रहे हैं टेक्निक एंड नॉलेज इन स्टॉक मार्केट चैनल, जिसमें हम लोग स्टॉक मार्केट पर डिस्कस करेंगे। और स्टॉक मार्केट पार्ट में अभी जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है उन लोगों को सबको मालूम है, अभी Q3 का जो रिजल्ट उसका सिलसिला बना हुआ है। अभी कोई सारा कंपनी का रिजल्ट आ गया है और नेक्स्ट वीक तो बहुत ज़्यादा अभी आने वाला है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया ऑलरेडी, तो उसका भी मैंने पोस्ट अभी किया नहीं, बट कर देंगे। तो आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली एक कंपनी है, रिटेल बिजनेस करता है, बहुत अच्छा कंपनी है, इंडिया में बहुत रिप्यूटेड कंपनी है, तो उसका आज रिजल्ट हम लोग आज रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब मेरा चैनल में जितना भी मैंने वीडियो डालेंगे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। अभी वो जो पेज मैंने ओपन करके रखा हूँ, कंपनी का नाम मैंने अभी बोल देंगे, ठीक है ना, वो तो आपको दिखेगा ही, मैंने ऑलरेडी खोल दिया है। कंपनी का नाम जो है मैंने बोलता हूँ पहले ही, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट जो डीमार्ट नाम में भी उसको बहुत आदमी जानता है, तो डीमार्ट और एवेन्यू सुपरमार्ट जो भी है, तो वो जो कंपनी है उसको नाम बहुत सारा बंदा तो जानता ही होगा इंडिया में, क्योंकि बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है। तो उसको अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट अभी 9 जनवरी को आ गया है, जो सैटरडे था, तो उसका रिजल्ट मैंने पहले सोचा नहीं था मैंने इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट इतना अच्छा है, फिर इसके लिए एक वीडियो मैंने बना रहा हूँ इसलिए। तो अभी देखिए ये जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर मैंने अभी डिस्कस करेंगे, इसका जो रिजल्ट मैंने किस लिए बोल रहा हूँ इतना अच्छा रिजल्ट आया है। राइट साइड में देखिए जितना भी चेंजेस है, बहुत देखिए हर एक चीज़ों में ग्रीन लाइट है, ग्रीन है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। देखिए ये जो कंपेयर किया है December 2019 से December 2020, ठीक है ना, तो दिसंबर का जो क्वार्टर था 2019 का, और अभी जो 2020 का जो दिसंबर का क्वार्टर है, उस क्वार्टर टू क्वार्टर का जो फ़र्क है वो है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में अब देखिए, मैंने अभी और एक चीज़ बोल देता हूँ, ये जो स्टैंड अलोन ये जो प्रॉफिट है एक्चुअली स्टैंड अलोन है, ठीक है ना, ये कंसोलिडेटेड नहीं है। कंसोलिडेटेड मतलब इसमें आप थोड़ा जान लीजिए, कंसोलिडेटेड मतलब कोई कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसी बिजनेस पे लॉस नेट सेल जो भी है जो डिस्कस करते हैं उसको बोला जाता है स्टैंड अलोन बिजनेस। बट जब कंसोलिडेटेड लिखा रहेगा इसका मतलब कोई कंपनी का मार्केट चलो बहुत सारा बिजनेस है, ठीक है ना, बहुत सारा यूनिट है, तो हर एक जो सब कुछ मिला के जो भी यूनिट है, जो भी सेक्टर में मतलब जो भी अलग अलग सेक्टर में उसका कुछ बिजनेस है, ठीक है ना, तो सभी का मिला के जो सबको जब मिला देगा तो उसके बाद जो टोटल जो प्रॉफिट आएगा और टोटल जो मतलब नेट सेल्स आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा जो भी है, जो नेट जो सबको मिला के जो नेट रिजल्ट आएगा उसको फिर बोला जाता है कंसोलिडेटेड, ठीक है ना। तो कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन का इतना ही फर्क है, ठीक है ना। तो अभी मैंने जो अभी ये जो डिस्कस किया गया इसमें मार्केट मोजो में जो अभी ये जो दिखाया गया स्टैंड अलोन का है, मैंने वो स्टैंड अलोन ही अभी डिस्कस करता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका नेट सेल्स देखिए 6,791 इतना करोड़ था ना December 2019 में, और December 2020 में आप देख लीजिए 7,432, वो जो है 10% का बढ़ोतरी हुआ, 10% जो राइट साइड में देखिए 10% का बढ़ोतरी हुआ है। उसके बाद इंटरेस्ट में है प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें क्या है 593 इतना करोड़ का प्रॉफिट था 2019 में, बट 2020 को देखिए 691, वो देखिए 16% का बढ़ोतरी हुआ, 16% बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। वो पहले वाला जो था नीट सेल्स देखिए 10%, और अभी जो है नीट प्रॉफिट PBDIT ये जो है 16% है। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट में देखिए 16.03% था पहले, और अभी है 8.72। देखिए इंटरेस्ट में जो कम जब होगा तो उसको प्रॉफिट बोला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 16.03 था, अभी 8.72 है, 45% का इसमें कम किया है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। उसके बाद देखिए स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो है देखिए 394 2019 में था, अब 2020 को देखिए जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट स्टैंड अलोन 470 रुपया है, तो उसमें क्या है 19.27 इतना परसेंटेज का पॉजिटिव रिटर्न आया है। उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 8.78 था पहले, 8.78 था जो पहले 2019 में, 2020 में देखिए 9.30, तो इतना
0.52% का बढ़ोतरी हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, हर एक पैरामीटर में इसका अच्छा रिजल्ट है। तो आपको मैंने दिखाया पूरा हर एक जितना जो कुछ भी है डिटेल्स, तो अभी और भी आपने बहुत सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं। मैंने अभी जस्ट वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसमें छोटा करके मैंने दिखाया, आप भी देख सकते हैं। इसमें हर एक पैरामीटर में इसका जो बढ़ोतरी हुआ है, इसमें ग्रोथ दिखाया, तो इसलिए आप इसको स्टडी कीजिए। और एक चीज़ मैंने इसको दिखाना बहुत ज़रूरी मेरे को लग रहा है, उसका जो रिटर्न है, अब रिटर्न देखेंगे तो आपको क्या बोलेंगे, आप देखते ही रह जाएंगे, ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट मैंने अभी दिखाएंगे, रिटर्न जो है अभी रिटर्न, अभी इसको देखिए, अभी जो रिटर्न का पेज है, रिटर्न का पेज ओपन हो गया, अभी आप देख सकते हैं इसमें हर एक टाइम फ्रेम में देखिए कितना अच्छा इसका रिटर्न है, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखा के, ये तो बहुत वाइटल है, जगह में आप देखेंगे तो आपको निवेश करने का दिल करेगा इस कंपनी में। देखिए अभी फर्स्ट में आप देखिए, 1 डे, 3 साल से लेकर के 1 दिन, मतलब 1 डे से लेकर के 3 इयर्स तक इसका रिकॉर्ड अभी मैं दिखा सकता हूँ। अभी देखिए ये जो है स्टॉक रिटर्न वर्सेस सेंसेक्स, सेंसेक्स देखिए 1 दिन में रिटर्न कितना दिया है, 1.43% दिया है, ठीक है ना, सॉरी 1 डे, यस। बट इसका देखिए स्टॉक का देखिए 1.70 है, ठीक है, 1.70। उसके बाद 1 वीक का देखिए, सेंसेक्स का देखिए 1.91, बट इसका देखिए स्टॉक का देखिए 1.634 1 वीक में। 1 मंथ में देखिए, 1 मंथ में स्टॉक का 11.66 और इसका देखिए सेंसेक्स का देखिए 6.96, ठीक है ना। तो कितना बीट कर रहा है, कभी भी देखिए इंडेक्स का बहुत कम है रिटर्न, बट इसका देखिए स्टॉक का देखिए बहुत अच्छा है, बीट किया, बहुत बीट किया। उसके बाद देखिए सेंसेक्स का देखिए 21.40 और 3 मंथ में इसका देखिए, 3 मंथ में स्टॉक का देखिए 43%, ठीक है ना, बहुत अच्छा रिटर्न है हर एक टाइम फ्रेम में। 6 मंथ में देखिए 27.99, ऑलमोस्ट 28% प्रॉफिट 6 मंथ में, कैन यू इमेजिन। उसके बाद 34, इसका स्टॉक का रिटर्न देखिए 34%, ठीक है, और स्टॉक का जो सॉरी इंडेक्स का जो है 2.16 है ईयर टू डेट, और स्टॉक का देखिए स्टॉक का 7.30, और 1 ईयर में देखिए 62% स्टॉक का रिटर्न, और इंडेक्स का देखिए 19%। अभी यहाँ पे आने के बाद मेरे को एक चीज़ याद आ रहा है, जैसे बैंक में आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो कितना मैक्सिमम 10% 11% से ज़्यादा तो देगा नहीं, अभी 8% 9% एवरेज चलता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ेंगे तो 10% पकड़ लीजिए। बट अभी इसका रिटर्न देखिए, इस 1 साल में जो रिटर्न 62%, आपने इमेजिन नहीं कर सकते इतना ज़्यादा इसका रिटर्न आया है। तो अभी हर एक पैरामीटर में आपको अच्छा दिख रहा है इस कंपनी का जो रिजल्ट है, ठीक है ना, अच्छा दिख रहा है। उसके बाद देखिए 2 साल में देखिए, 2 साल का जो स्टॉक का रिटर्न है 89%, बट इसका देखिए इंडेक्स का देखिए 35%, ठीक है ना। तो इस पैरामीटर में भी, इसमें भी देखिए बहुत अच्छा रिटर्न है, 2 साल में 89%, मतलब ऑलमोस्ट और पैसा ऑलमोस्ट दोगुना हो गया 2 साल में, ठीक है ना। और अभी नेक्स्ट 3 साल में अभी दिखाता हूँ, 3 साल का जो रिकॉर्ड है, 3 साल का जो रिकॉर्ड है अभी देख लीजिए, यहाँ पे 3 ईयर्स में जो रिकॉर्ड है वहाँ पे स्टॉक का रिटर्न देखिए 141% और इंडेक्स का देखिए, इंडेक्स का 42%, ठीक है ना। तो हर एक पैरामीटर में इसका जो रिजल्ट बहुत अच्छा आया, ठीक है ना। तो मेरे को इसलिए अच्छा लगा, मैंने ये वीडियो बनाया, मेरे को ये इस एबीबी सुपर मार्केट का रिजल्ट को लेकर के वीडियो बनाने का कोई इच्छा नहीं था मेरे को, बट इतना अच्छा रिजल्ट आया मेरे को फिर लगा एक वीडियो शेयर करना बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी, जिसको इसके बारे में मालूम नहीं है कंपनी के बारे में, अगर आपने देखेंगे तो इसको आप स्टडी कीजिएगा, और स्टडी करके आपको अगर अच्छा लगा तो आपने आपका हिसाब से कुछ बाई सेल होल्डिंग जो भी आप पोजिशन आप ले सकते हैं, अगर आपका पास माल है आपने होल्ड कर सकते हैं, अगर आपने अगर ये नहीं किया, एंट्री नहीं किया तो एंट्री के लिए सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ अपने सलाह करके अपने आपका डिसीजन लीजिएगा। तो वीडियो अभी लंबा हो गया, 10 मिनट का वीडियो होगा, तो वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और मेरा ख्याल से अपने स्टडी करेंगे, और स्टडी करके जो भी डिसीजन अपने अपना हिसाब से लीजिए, और ठीक है, फिर आज का वीडियो हमने यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और वीडियो जाते जाते और एक चीज़ बोल रहा हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को, तो
सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और जाते जाते और एक चीज़ बोलना जरूरी है, जिसमें मैंने हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, आपका आसपास में जो बंदा आप हेल्पलेस है, आपसे हेल्प कुछ उम्मीद है, आप कर सकता है, आपका औकात का हिसाब से आपने अगर आपसे हो सकता है तो आपने कीजिएगा। जो हेल्पलेस है, हेल्पलेस बंदा को अगर आपसे हेल्प मांग रहा था, आप हेल्प कीजिए और अपने हेल्प करेंगे उसी उम्मीद के साथ। आज का जो वीडियो हमने यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया कॉन्टेंट के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।